हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फॉर्मा थर्ड सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे कैसे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो का लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो आपको इसी वीडियो में पासवर्ड कलेक्ट कर लेना है और उस पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। 6 डिजिट पासवर्ड है, पासवर्ड को यूज कर सकते हैं आप पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वह है डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विद एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको एग्जाम्पल बताना है, तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरप्रेट टर्म्स फ्रीली सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानी आर ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन द टर्म सोल्यूबिलाइजेशन विथ एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे सोल्यूबिलाइजेशन के साथ आपको एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको सोल्यूबिलाइजेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर यूज एज फॉर दी HLB स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपको सर्फेक्टेंट्स के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसका आपको यहाँ पे यूज भी बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे HLB मिल जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे दिए हुए हैं सर्फेक्टेंट्स और उसका यूज, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन द टर्म डिटर्जेंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिटर्जेंसी क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विथ एग्जाम्पल, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये 7 नंबर में भी पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बताना है और एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो विटामिन B12 का सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वह है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक हाइपरटोनिक्स एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यहाँ पे तीनों देखने को मिल जाएगा। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लेता है, तो आप तीनों का तैयारी कर लेंगे एक साथ में तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म पीएच, तो पीएच क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए है वो खत्म होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिस्कस इन डिटेल अबाउट रॉल्स लॉ, ठीक है। तो आपको रॉल्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इस बेसिस पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के थ्रू आपको शोइंग पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन एंड एक्सप्लेन रिलेशन बिहाइंड दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे शो करना है, उसके बाद से आपको रीजन भी बताना है कि इस डेरिवेशन में इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, और उसका एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव डेरिवेशन है तो वो भी एक्सप्लेन किया गया है। और दोनों का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये नेगेटिव डेरिवेशन और यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेशन, तो इस तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टल सॉलिड, तो यहाँ पे आपको एमोर्फस और क्रिस्टल सॉलिड के बारे में बताना है। यहाँ पे एमोर्फस मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से विद दी प्रॉपर एग्जाम्पल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दी फिनोमिनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद से आपको फिनोमिनन भी बताना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे पॉलीमराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन इन फार्मेसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फ्री अंडलीज एंड लैंगम्योर्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है उसके साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोथर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों साइंटिस्ट का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म यूटेक्टिक मिक्सचर विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे काफी डिटेल में बताया गया है। यूटेक्टिक मिक्सचर का यहाँ पे ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डाउन द डिफरेंट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सर्फेस एंड इंटरफेसियल टेंशन एंड इलुस्ट्रेट एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मेथड बताना है, ठीक है, सर्फेक्टेंट का इंटरफेसियल टेंशन विथ इलुस्ट्रेट एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पहले तो दोनों के बारे में बताना है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद से आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेसियल टेंशन मिल जाएगा, ठीक है, और इसके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिफाई एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में, विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में बताना है, उसके बाद से कंप्लीट डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इस तरह से आपको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, डिस्कस एनी वन ऑफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। देखिए प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली इसे करके जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्कस भी करना है मेथड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेथड भी देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट फैक्टर यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग का आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द टर्म बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बफर कैपेसिटी आना चाहिए। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी बताना है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनोसिटी। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ टोनोसिटी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट मेथड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 0.05% ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एंड आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनोसिटी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जो भी एडजस्टमेंट है, डेरिवेशन मिल जाएगा, यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड इक्विपमेंट मेथड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।